हेलो फ्रेंड्स, शुभ प्रोडिक्शन की आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में T20 वर्ल्ड कप 2022 की जो फाइनल मैच होने वाला है इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस T20 सीरीज फाइनल मैच की बिगुल बज चुका है। इस फाइनल मैच से पहले जितना भी मैचेस खेले गए सभी मैचेस को आपने तो देख ही चुके हैं। इस सीजन की T20 मैचेस में रोमांचक और कांटे की टक्कर वाली मैचेस देखने को मिला है। दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया के जो प्रदर्शन रहा उनको जितना सैड फील हुआ है उतना ही टीम इंडिया को जो सपोर्ट करते थे उनको भी बहुत सैड फील हुआ है। जैसे दोस्तों कहावत है, चलो गिरो फिर से उठ जाओ और चल दो, इसका ही नाम जिंदगी है। पिछले मैच में जो कुछ हुआ उसको भुला देते हैं और आगे चलते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप 2022 की जो फाइनल मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान और इंग्लैंड आपस में भिड़ने वाले है। इस मैच में इन दोनों टीम में से कौन सी टीम विन करने वाली है इसके बारे में और इस मैच में क्या क्या बदलाव होने वाला है एक एक करके मैं आपको इस वीडियो के आखिरी तक पूरी विस्तार में बताने वाला हूं। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए और इस T20 सीजन की चैंपियन कौन सी टीम बनने वाला है इसके बारे में जान लीजिए। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों ये फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में इंडिया डे टाइम के हिसाब से 13 नवंबर 2022 को 1:30 पे खेला जाएगा। इस मैच में ये जो दोनों टीम आपस में भिड़ने वाले हैं, पिछले कुछ मैचेस में इनका प्रदर्शन कैसा रहा है दोनों ही टीम का 5-5 की रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप यहां पे देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम T20 के 5 खेले हैं और इनमें से 4 में जीत हासिल की है और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। इनका जो बैटिंग की एवरेज है 157 देखने को मिला है और यार इनका जो बॉलिंग की एवरेज है वो 8.1 देखने को मिला है। इंग्लैंड टीम की बात करेंगे तो इन्होंने भी लास्ट 5 T20 खेल के 4 अपने नाम किए हैं और 1 में हारे हैं। इनका जो बैटिंग की एवरेज है वो 169 देखने को मिला है और इनका जो बॉलिंग की एवरेज है वो 8 देखने को मिला है। अब यहां पे देखेंगे तो दोनों ही टीम के जो बैटिंग की एवरेज है इंग्लैंड की टीम का ज्यादा देखने को मिला है और इनका जो बॉलिंग की एवरेज है पाकिस्तान टीम से इंग्लैंड की टीम कई गुना अच्छा देखने को मिला है। दोस्तों ये फाइनल मैच बहुत बड़ा मैच होने वाला है। दोस्तों आपको इस मैच को देख के जितना मजा आने वाला है क्यों ना इस मैच से अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाला जाए। इसलिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन होंगे तो जानेंगे, आप लोग हमारे साथ 4-5 में काम करिए, आपको भी यकीन आ जाएगा। हाँ भाई यार सही बोल रहा था, हमारा आपसे ये वादा है आप यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप लॉस में है, जल्दी से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं, ये जो मैच यहाँ पे खेला जाएगा वहाँ की पिच रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये मैच मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे T20 के टोटल 19 खेले गए हैं। इस वाली मैदान में जो पहले बैटिंग करने वाली टीम 9 में विन किए हैं और यहाँ पे जो चेस करने वाली टीम वो भी 9 में विन किए हैं। दोस्तों ये तो हो गया 18, बाकी का जो 1 बारिश के कारण रद्द भी हुआ है। इस मैदान की एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम की एवरेज स्कोर 147 देखने को मिला है और जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम की एवरेज स्कोर 125 देखने को मिला है। यहाँ पे दोनों ही टीम की एवरेज की कंपेयर करेंगे तो जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम इनका 22 कम देखने को मिला है। इस वाली मैदान में अभी जो चल रहा है T20 वर्ल्ड कप की सीरीज, इसमें से 3 खेले गए हैं। इन 3 में से यहाँ पे जो पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 में विन किए हैं और जो चेस करने वाली टीम 1 में विन किए हैं। अब दोस्तों ये मैदान इस मैच के लिए क्या रहने वाला है, किसके लिए अच्छा है या किसके लिए बुरा है, मतलब कि इस पिच के बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये वाली मैदान गेंदबाजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है क्योंकि ये पिच बॉलिंग पिच है, इसलिए आपको यहाँ पे पहली इनिंग्स में 150-155 रन की स्कोर देखने को मिल सकता है। पहले 6 पावर प्ले की रहती है, इसमें आपको 40-45 रन देखने को मिलेगा। बाकी 10 तक 60-65 रन, 15 तक 100-105 रन आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट का जो 20 मैंने आपको जैसे पहले बोला था 150-155 की स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये पिच हाई बाउंस वाली पिच है, इसलिए गेंदबाजों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो ये मैदान बड़ा मैदान है, जैसे कि 78 बाउंड्री की स्ट्रेंथ है, 83-81 स्क्वायर बाउंड्री है। इस मैदान की विकेट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 239 विकेट गिरते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे जो पहला इनिंग्स खेला गया है इसमें 141 विकेट गिरते हुए देखने को मिला है और यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में 98 विकेट गिरते हुए देखने को मिला है। दोस्तों आप हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम आपके लिए ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं क्योंकि आपको भी इस वीडियो में से थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए और हम
दिल से दुआ करते हैं कि इस वीडियो से नहीं हर वीडियो में से इस मैच में से नहीं हर मैच में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए। हमारा कोशिश आपके लिए यही है, हमारी तरफ से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हम आपके एक अनमोल सब्सक्राइब मांगते हैं और दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल शुभ प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आगे हमारा जितने भी क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स और वीडियो आने वाला है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं। ये जो दोनों टीम इस मैच में खेलने वाले हैं इनका जो प्लेइंग 11 है इनमें से कौन कौन प्लेयर्स खेलने वाले हैं इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान की, तो इनके टीम में से इनके ओपनिंग में आते हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तीसरे नंबर में मोहम्मद हरीश, चौथे नंबर में शान मसूद, पांचवे नंबर में इफ्तिकार अहमद, छह नंबर में सदब खान, सात नंबर पे MD नवाज, आठ नंबर में MD वसीम जेआर, नौ नंबर में हरीश रोफ, दस नंबर में नसीम शाह और आखिरी 11 नंबर में शहनशाह अफरीदी आपको मैदान में खेलते हुए नजर में आएंगे। अब एक बार इंग्लैंड टीम इनके प्लेइंग 11 में से इनके ओपनिंग में आते हैं जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, तीसरे नंबर में फिल शल्ट, चौथे नंबर में वेन स्टॉक, पांचवे नंबर में हैरी ब्रुक्स, छठे नंबर में मोइन अली, सातवें नंबर में लियाम लिविंगस्टन, आठ नंबर में सैम करन, नौ नंबर में क्रिस वोक्स, दस नंबर में आदिल रशीद और 11 नंबर में क्रिस जॉर्डन मैदान में खेलते हुए आपको नजर में आने वाले हैं। दोस्तों ये तो हो गए दोनों ही टीम की प्लेइंग 11। ये दोनों टीम आपको मैदान में आपस में टकराते हुए नजर में आने वाले हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इन दोनों टीम की हेड टू हेड की रिपोर्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हेड टू हेड की रिपोर्ट हिसाब से इन दोनों टीम के बीच में 27 मैच में टकरार हुआ है। इन 27 मैच में से इंग्लैंड की टीम 18 मैच में जीत हासिल की है और जो पाकिस्तान की टीम 9 मैच में जीत हासिल की है। इन दोनों टीम के बीच में जो लास्ट के 5 T20 मैच खेले गए, इन T20 के 5 मैच में से पाकिस्तान की टीम 2 मैच में विन किए हैं और जो इंग्लैंड की टीम 3 मैच में विन किए हैं। अब दोस्तों आखिरी में इन दोनों टीम में से इस मैच को कौन सी टीम विन करने वाली है इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक एक करके दोनों ही टीम के सारे रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे तो ये लगता है इस मैच को इंग्लैंड की टीम विन करने वाली है। बाकी दोस्तों ये तो मेरा प्रिडिक्शन था, मैच के दौरान इधर उधर हो सकता है। दोस्तों वीडियो में हम आपको मैच में कौन सी टीम विन करेगा 70% ही बोल पाते हैं। आपको 100 से 110% टॉस, सेशन, मैच विनर ये सब की जानकारी बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम से आपको बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक क्लिक से हमारे मन को संतुष्टि मिलता है और आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, आपके लिए और भी शानदार वीडियोस बनाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।